अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद राबी। आज मैं शेयर कर रही हूँ बीफ शामी कबाब की रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। स्टार्ट करते हैं। हाफ के जी बीफ लिया है, ये बोनलेस है। एक पाव चने की दाल, इसे 2 घंटे पहले सोक कर लिया था। ऑल स्पाइसेस लिए हैं, ये सारे स्पाइसेस साबुत लेने हैं, पाउडर फॉर्म में नहीं लेने हैं। जिंजर गार्लिक लिया है 1 टेबल स्पून। रेड चिली ली है, ड्राई रेड चिली है ये। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 से 3 दालचीनी स्टिक। लौंग ली है 1 टीस्पून, 2 बड़ी इलायची, गोल काली मिर्च 1 टीस्पून, बादियान का फूल 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर, गोल साबुत मिर्च लाल वाली, और साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, तेज़पत्ता लिया है, हरा धनिया लिया है 1/2 पंच, हरी मिर्च ली है। ये दोनों चॉप करने के बाद जब शामी कबाब का शेप देंगे उस टाइम हमें ऐड करने हैं। 2 अंडे लिए हैं शामी कबाब फ्राई करने के लिए। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें 1 जग पानी ऐड करना है। अब इसमें बीफ ऐड कर देंगे, ये बोनलेस लिया था। ऑल स्पाइसेस ऐड कर देंगे, सारे स्पाइसेस साबुत लेने हैं, ड्राई फॉर्म में नहीं लेने। अब इसे कवर करके रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, क्योंकि गोश्त थोड़ा देर से गलता है। अब 1/2 घंटे बाद इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल थोड़ी जल्दी गल जाती है, इसलिए 1/2 घंटे बाद ऐड करनी है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख देंगे जब तक दाल और गोश्त गल ना जाए। 1/2 घंटे के लिए इसे कवर करके रख देंगे। अब चेक कर लेंगे, गोश्त और दाल गल चुके हैं। अब फूड प्रोसेसर में इसे हम पीस लेंगे। अब इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे 1/2 बंच, अनियन ऐड कर देंगे, 2 अनियन ली थी इसे चॉप कर लिया था, हरी मिर्च ऐड करनी है चॉप कर ली थी। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके शेप दे देंगे, राउंड शेप देने हैं शामी कबाब के जिस तरह होते हैं। हाफ के जी बीफ में 15 शामी कबाब बने थे। अब इसी तरह सारे शामी कबाब के शेप देने हैं हमने। अब एक अंडा ले लेंगे, इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 2 पिंच के करीब, पानी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब शामी कबाब को अंडे में कोट करके फ्राई करेंगे 1 बाय 1, इसी तरह फ्राई करने हैं अंडे में कोट करने के बाद। शैलो फ्राई करने हैं, फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है। अब इसे टर्न कर लेंगे, शैलो फ्राई करना है। शामी कबाब फ्राई हो चुके हैं, दोनों साइड से बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं। अभी हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।